पटाखे फोड़ते हैं हम, ये एग्जॉस्ट भी मैं लगाऊंगा सेम अपनी वाली बुलेट पे, क्योंकि ओए भाई पावर देखो, मीटर देखो, मीटर देखो पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो बहुत दमदार है क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे बुलेट स्टैंडर्ड 350 BS 4 विथ शॉर्ट बोटल एग्जॉस्ट और राउंड वाला बैंड पाइप। आप बैंड पाइप का हाल देख लो, लाल हो के क्या हाल हो चुका है। और भाई मैं इसको हाथ से ऑन नहीं करूंगा, बहुत ही खतरनाक है यार, इतना मज़ा आया ना इसको चलाने में आज, मैं बता नहीं सकता हूँ यार, एक नंबर बुलेट है, मतलब दिल खुश हो गया यार बहुत ज़्यादा। क्यों इतना मुझे अच्छा लगा मैं आगे चल के बता दे रहा हूँ। मतलब जो जिसे कहते हैं ना यार बुलेट, यार ये है रियल बुलेट। मेरा वाला बुलेट भी कुछ नहीं है यार इसके सामने, क्योंकि इस पर बहुत कुछ ऐसा मॉड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या है। तो पहले इसको ऑन करते हैं और इसकी आवाज़ सुनो यार, इतना मज़ा आने वाला है ना आवाज़ सुन के आप लोगों को, मैं बता नहीं सकता। आप लोग आवाज़ सुनो, वीडियो में ही सुन लो आप लोग आवाज़, यार आप लोगों को क्या मज़ा आएगा। लो सुनो आवाज़, ये देखो, हाय हाय एक नंबर आवाज़ है भाई, बता नहीं सकता। देखो आवाज़, ओए भाई पावर देखो, मीटर देखो, मीटर, ओए ओए भाई 100 पार हो गया, इतना पावरफुल है आवाज तो मैं बता नहीं सकता हूँ यार, एक नंबर। देखो और ये हैंडल यार, इसकी तो बात ही अलग है। ये वाला हैंडल मैं अपने बाइक पे जरूर लगाने वाला हूँ बहुत जल्दी, इस पे बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, ये हैंडल एक नंबर है। ये बुलेट मिस कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तेल खत्म हो चुका है बाइक पे। कोई नहीं, मैं रुक के एक बार देख लेता हूँ इसे। तो गाइस इस पे पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, और मैं आपको बता दूँ यार ये वाला हैंडल बार मैं अपने बाइक पे बहुत जल्दी लगाने वाला हूँ, दिल आ गया ये वाला हैंडल बार पे। बट अगर मैं लगाऊंगा ना थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लगाऊंगा, इस पे बहुत सारी क्वालिटी आती है। ये कौन सा हैंडल बार है, ये है RD 350 का। यार देखो जो नॉर्मल हैंडल है ना वो थोड़ा इधर रहता है और उसकी हाइट कम रहती है, इसकी हाइट ऊपर है और चलाने में मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा है यार मैं। और जो इसका एग्जॉस्ट है ना, ये एग्जॉस्ट भी मैं लगाऊंगा सेम अपनी वाली बुलेट पे, क्योंकि ये राउंड बैंड पाइप प्लस कोई जाली नहीं है। शॉर्ट पोटल की आवाज़ देखो कितनी सुंदर आ रही है यार, क्या आवाज़ है यार। और इस वाली बाइक की ब्रेकिंग मुझसे ज़्यादा है क्योंकि इस पर आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है, देख लो भाई मेरे पे आगे डिस्क ब्रेक नहीं है, इस पर डिस्क है, प्लस इस पर ABS भी है, तो ABS भी होने का फ़ायदा है, मतलब बाइक रुक जाती है अच्छी। भाई आवाज़ नेक्स्ट लेवल आवाज़ है, नेक्स्ट लेवल बता नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है इसके सामने अगर सुपर बाइक भी आवाज़ करेगी ना तो सुपर बाइक की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, इसी की देगी। और जो लोग पटाखे फोड़ने के लवर है, पटाखे फोड़ना पसंद करते हैं, इस पे तो नेक्स्ट लेवल पटाखे फटेंगे। मैं आपको फोड़ के दिखा देता हूँ अभी एक बारी। तो भाई BS4 और BS3 फर्क यही है कि BS3 की थोड़ी सी पावर ज्यादा है, बट मुझे उससे ज्यादा आवाज इसकी लग रही है, हो सकता है इसके एग्जॉस्ट के चक्कर में। बट ये एग्जॉस्ट और ये हैंडल बार मैं अपने बाइक पर जरूर लगाने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया यार, मैं बता नहीं सकता हूँ, आवाज इतनी नेक्स्ट लेवल आवाज है, मैं फैन हो गया हूँ। मेरे और एक फ्रेंड ने भी लगाया है ये वाला एग्जॉस्ट, देखो भाई आवाज, भाई क्या आवाज आ रही है भाई। और इस पे एक फायदा ये है कि व्हीली में साइलेंसर नहीं सटेगा, हाय हाय पटाखे फोड़ते हैं। अब एक बार आप लोगों में रूप के ओवरऑल बता देता हूँ आप लोगों क्या करना होगा। अगर आपके पास BS6 बुलेट है ठीक है, तो टेंशन मत ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को आवाज़ जो है ना ऐसी आवाज़ तो नहीं मिलेगी, बट अगर ऐसी आवाज़ चाहिए तो आप थोड़ा सा खर्चा कर लो, कार्बोरेटर इंस्टॉल कर लो, सर्विस सेंटर जाओ और बोलो भाई मुझे कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दो, मुझे FI थोड़ी दिक्कत कर रही है, वो लोग आपको FI लगा के हटा के आपको कार्बोरेटर लगा देंगे। एक बार रुक के मैं बताता हूँ आपको, अगर बुलेट अपना देसी बनाना है तो क्या क्या करना होगा, देख लो भाई
सबसे पहले तो भाई आप हैंडल बार चेंज करो, जो कि मैं बहुत जल्दी करूंगा यार, मुझे मिल रहा नहीं है। अच्छी क्वालिटी का क्या लगाऊंगा तो ये रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैट लगाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ भी रस्ट नहीं लगेगा, आपने देखा होगा मेरी वाली बुलेट पे लग गया था। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एलॉय व्हील डलवाने होंगे। इसने मर्सिडीज़ वाले एलॉय व्हील लगाए हैं, बट थोड़े से लुक अलग है मर्सिडीज़ से, और साथ में राउंड बाइंड पाइप, हॉर्न का देखो हॉर्न किस साइड लगे हुए हैं, ऐसे करके लगे हुए हैं दोनों इसी एंगल पर, तो काफ़ी शानदार लगते हैं। बाकी बुलेट काफ़ी गंदा है, उसको मत देखो, ज़्यादा स्टिकरिंग वगैरह ना कराएं, स्टॉक रखे, ठीक है। और बाकी देख लो, बाकी तो पूरा बाकी बुलेट स्टॉक है, ठीक है। फिर से अभी एक बार इसको ऑन करते हैं, इसको मैं हाथ से नहीं ऑन करूंगा क्योंकि यार बैक मार देगा ये वाला बाइक, ठीक है। मीटर चेंज हुआ पड़ा है, होए होए भाई व्हीलियां हो रही है, भाई व्हीलियां हो रही है, देख रहे हो पटाखे इतने कम आरपीएम में फूट रहे हैं, देखो। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है बुलेट मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। बाकी यार बुलेट बुलेट है भाई, लोग मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई मुझे बाइक लेनी है, मैं कौन सी बाइक लूँ, आरएस लूँ। अगर आपका बुलेट लेने का मन है तो आंख बंद कर लें, कोई बाइक सब बाइक छोड़ के आप चुप से बुलेट ले लें। BS6 भी मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ले लो, ठीक है, ले लो। बुलेट की रीसेल बहुत है यार, आप 2 साल चला के ही बेचोगे तो आपको रेट मिल जाएगा। और बाकी अगर आप आर एस उरस लेते हो तो आपको रेट नहीं मिलने वाला। अब आपको मैं एक बार इसकी ABS टेस्टिंग करा देता हूँ, एकदम मिट्टी वाली एरिया पे इसके ब्रेक मार के, ठीक है। एकदम ब्रेक मारूंगा मैं ज़ोर से, तो अभी ब्रेक मारते हैं इसकी। यहाँ पे देखो, ये देखो, देख रहे हो बाइक स्किड नहीं कर रही, ज़्यादा थोड़ी कर रही है, ज़्यादा नहीं कर रही। तो पटाखे हो जाए पटाखे, आवाज सुनो यार आवाज। तो बाकी इसमें भी हम उस टाइप की गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, बुलेट भगाने के लिए तो नहीं बनी है, बट मजा आ रहा है यार काफी भगाने पे इसे, ठीक है। हो जाए फिर व्हीली, देखो व्हीली, आवाज सुनो आवाज, पावर, होए होए पटाखे भी फूट रहे हैं होए बहुत जोर फूट रहे हैं भाई। तो हैंडलिंग पे फ़र्क पड़ा है, ये हैंडल चेंज करने से कुछ नहीं, उल्टा बहुत अच्छी हो गई है हैंडलिंग, काफ़ी मस्त हो गई है। देख रहे हो कैसे फूट रहे हैं भाई, ये खाली जगह है इसलिए मैं फोड़ ले रहा हूँ यार, यहाँ पे देख रहे हो इतने पटाखे और ज़्यादा नहीं फोड़ेंगे। बाकी गाइस कैसी लग रही है बुलेट और आवाज़ मुझे ज़रूर बताएं। ये बुलेट बनाने का मकसद मेरा ये था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई छोटा एग्जॉस्ट लगाओ, छोटा एग्जॉस्ट लगाओ, तो मैंने आज मेन बात है कि छोटा एग्जॉस्ट ट्राई करा था लगा के कैसा है कैसा नहीं। ऑफ रोडिंग चला कर देखते हैं कैसी है इसकी बैलेंसिंग कंट्रोलिंग, देख लो मैं भगा रहा हूँ ऑफ रोडिंग पे, और आप लोग ऐसा ना करें मिट्टी वाली एरिया पे, नहीं तो आप पक्का गिर जाओगे, ठीक है। ये देख लो पूरी मिट्टी वाली एरिया है, बाइक बहुत स्किड होती है और काफ़ी मैं स्पीड पर भी हूँ, बट बाइक का कंट्रोल बहुत अच्छा। पीछे देखो कैसे मिट्टी उड़ रही है भाई, मैं एक बार रुक के दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो पीछे, बट बाइक में बिल्कुल कोई स्किटिंग नहीं है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा है भाई, देख लो, ठीक है। तो बस मैं यही चलाने आया था, शॉर्ट बोटल कैसा लग रहा था मुझे देखना था, ताकि मैं भी अपने बुलेट पे लगा लूँ ये शॉर्ट बोटल और ये वाला हैंडल बार। काफ़ी दिनों से मैंने सोचा हुआ है भाई, कंट्रोल काफ़ी शानदार है, ठीक है। तो होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो पता ना क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेगी एक से एक, ठीक है।
और एक बात मैं बताना भूल गया भाई, नॉकिंग बिल्कुल नहीं है। अभी एक चीज़ देख लो भाई, ठीक है, ये मैं अभी क्या करूँगा दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले एंटर करते हैं कॉलोनी, ठीक है, फिर एक चीज़ दिखाऊँगा, देख लो, शायद आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है। देखो ये बाइक अभी फर्स्ट गियर पे है, मैं फिफ्थ गियर तक बाइक लेके जाऊँगा, स्लो चलाऊँगा, देखो कोई नॉकिंग नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देख लो फिफ्थ गियर पे बाइक है, फुल एक्सीलेटर, कोई नॉकिंग नहीं है। अभी स्लो में देखो, फिफ्थ गियर देखो, ये देखो बिल्कुल नॉकिंग नहीं है। आप कोई दूसरी बाइक पे करके देखो, बाइक बंद हो जाएगी। देखो फिफ्थ गियर, देखो नॉकिंग है, यही बुलेट का मेन फंडा है भाई, ज़बरदस्त चीज़ है, बिल्कुल नॉकिंग नहीं है, ठीक है। ये दिखाना था आप लोगों को, मैंने दिखा दिया, बाकी बंद करते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू गाइज़।